Hello students, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to see about the dorsal ventral axis formation in Drosophila. It is a rank booster topic, I must tell you. It is a topic from the unit developmental biology and it is a very important topic. So let's get started with the video guys. First of all, let's see what is dorsal side and what is ventral side for more clarity. So if we see this upper region, or we can say the back region in the fly, in the Drosophila, is known as dorsal part. Okay, while the part that is belly part is known as ventral side. The lower region, the belly region, is ventral side and the back region is the dorsal side. While the head region is known as the anterior region and opposite to it is known as posterior region. Okay, this is very important to know which is what. So now let's see the development of dorsal side and ventral side in the Drosophila. So if agar hum dekhe Drosophila mein iska development, to iska development throughout the process chalta rahega. Yani ki jaise oocyte grow ho raha hai, oocyte ki fertilization hui, then embryo bana, tab tak ye pura ek ongoing process hai jo Drosophila mein chalta rahega. So if मैं लमसम बोलूँ तो यहाँ पे ये जो dorsal ventral side का determination है ये two steps में हम देखेंगे. जो first step होगा वो oocyte वाली stage में होगा, that is before fertilization, and the second stage will be in the embryo stage, that is after the fertilization. तो throughout the period क्या हो रहा है, dorsal and ventral axis का determination हो रहा है in this Drosophila. So first of all, if we see that dorsal ventral patterning in the oocyte, that is before fertilization, just remember that. So here you can see, here I have marked the oocyte, this is oocyte, this region. With them there are nerve cells present, as the name suggests. Nerve cells kya karenge, nerve cells is oocyte ko nurture karenge. Jaise ki nurses hoti hai, unka kaam kya hota hai, jo baby hai usko nurture kare. To aise ye oocyte ko nurture karenge. और इनके ऊसाइट के पास में क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है. सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ऊसाइट के पास, नर्व सेल्स के पास नहीं होंगे, फॉलिकुलर सेल्स के पास होंगे. ऊसाइट्स को क्या बोल सकते हैं हम, जर्म सेल भी बोल सकते हैं ना. जर्म सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जो कि एम्ब्रियो की ग्रोथ करवा सकता है, जो फ्यूचर में एम्ब्रियो बना सकते हैं. सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ऊसाइट की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ऊसाइट ग्रो होगा, वैसे वैसे इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, इसके अंदर जो माइक्रोटिब्यूल्स है, जो स्केलेटन है इसका, उसमें चेंजेस आते रहेंगे, जिसकी वजह से जो इसका न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, एंटीरियर डॉर्सल साइड पे. सो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अभी हमें पता नहीं है कि ये ऊ साइड फ्यूचर में कहाँ डॉर्सल साइड बनाने वाला है, कहाँ वेंट्रल साइड बना, हमें कुछ नहीं पता. लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे जैसे ये ऊ साइड ग्रो हो रहा था, वैसे वैसे ये ऊ साइड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सॉरी ये न्यूक्लियस, आई एम रियली सॉरी, ये न्यूक्लियस कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया है एंटीरियर डॉर्सल साइड, एंटीरियर डॉर्सल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये फ्यूचर में एंटीरियर साइड बनाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये फ्यूचर में क्या बनाएगा, डॉर्सल साइड बनाएगा, हमें पता चल गया. सो अभी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस तरफ ये ऊ साइड है, वंस अगेन दिस इज अ ऊ साइड, यहाँ पे प्रेजेंट है ये फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स, नीचे भी फॉलिकुलर सेल्स है. हम इतने रीजन को जूम करके देख रहे हैं पूरा, और यहाँ पे ऊ साइट और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो रीजन है उसको हमने बोला है पेरी विटलाइन स्पेस, ठीक है. और ये ऊ साइट का न्यूक्लियस है जो एंटीरियर डॉर्सल साइड पे पहुंच चुका है. अब यहाँ पे प्रेजेंट है एमआरएनए, यहाँ पे एक एमआरएनए प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गर्कन एमआरएनए. नाउ दिस गर्कन एमआरएनए का काम क्या होगा कि ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाए. तो ये क्या करेगा, इट विल गो अंडर ट्रांसलेशन और इससे बन गए प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस रीजन. नाउ दिस प्रोटीन्स कैन डिफ्यूज, ये प्रोटीन्स जो है क्या कर सकते हैं, ये डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड रीजन तक ये डिफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है बहुत दूर तक जा सकते हैं, ये सिर्फ लिमिटेड रीजन तक डिफ्यूज कर सकते हैं. डिफ्यूजन मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे मूव करना. तो जैसे जैसे ये डिफ्यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये कहाँ आ रहे हैं, इन फॉलिकुलर सेल्स के पास आ रहे हैं. तो ऑब्वियसली इन फॉलिकुलर सेल्स के पास ऐसी कोई चीज प्रेजेंट होगी जो इन प्रोटीन्स को रिसीव करेंगी, बोलेंगी हाँ हाँ आ जाओ तुम्हारा दोस्त यहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो इनको रिसीव करते हैं वो होते हैं टॉर्पीडो रिसेप्टर्स.
ये क्या है, टॉर्पीडो रिसेप्टर्स हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स पे प्रेजेंट है। ये टॉर्पीडो रिसेप्टर्स हर एक फॉलिकुलर सेल्स पे प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हर फॉलिकुलर सेल्स पे प्रेजेंट है। लेकिन गर्कन प्रोटीन सिर्फ यहीं पे गया, जैसे ही इन दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी, उस बाइंडिंग की वजह से इस सेल के अंदर, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है मिरर प्रोटीन, शीशा प्रोटीन, ठीक है, मिरर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ये मिरर प्रोटीन क्या है, ये मिरर प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आई होप यू रिमेम्बर वॉट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज अ मॉलिक्यूल दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन। किसी भी डीएनए को अगर ट्रांसक्रिप्शन करवाना है तो उसका मन चाहेगा वो तब नहीं करवा सकता है, जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उस डीएनए से आके बाइंड करेगा तभी वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो मिरर प्रोटीन है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो है बट ये रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। यानी कि जब अगर ये किसी डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जाके बाइंड हो गया तो इस डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा, ये इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या नहीं होने देगा, ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा। तो ये किसका ट्रांसक्रिप्शन रोक रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो ये नहीं चाहता है मिरर प्रोटीन कि उसका ट्रांसक्रिप्शन हो, ये रोक रहा है, रिप्रेसर कर रहा है ये पाई प्रोटीन का सिंथेसिस। पाई प्रोटीन या फिर पाइप एमआरएनए बोल देती हूँ मैं, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो पाइप एमआरएनए के सिंथेसिस को रोक रहा है। तो यहाँ पे इस वाले फॉलिकुलर सेल्स में पाइप एमआरएनए नहीं बना, पाइप एमआरएनए नहीं बना तो पाइप प्रोटीन नहीं बना, राइट। बट यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स है यहाँ पे क्या कोई गर्कन आया, नहीं। यहाँ पे क्या कोई मिरर प्रोटीन बना, नहीं। यहाँ पे कोई रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, नहीं। तो यहाँ पे पाइप का सिंथेसिस हो जाएगा, पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस इन फॉलिकुलर सेल्स में हो जाएगा। सो जिस जगह पे पाइप प्रोटीन नहीं बना है उस साइट को हम बोलेंगे डॉर्सल फेट। वहीं पे जिस साइट पे पाइप प्रोटीन बन गया उस साइट को बोलेंगे हम वेंट्रल फेट। यानी कि यहाँ पे ये जो पाइप प्रोटीन है ये कुछ ऐसा ऐसा करेगा जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन है एम्ब्रियो का, जो ऊ साइड है उसका, ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेंट्रल फेट में। और यहाँ पे डॉर्सल फेट इसलिए क्योंकि पाइप नहीं बना तो ऐसा कोई छो नहीं पाएगा जो कि वेंट्रल फेट के लिए जरूरी होता है। फेट मतलब किस्मत, यानी कि आगे होने वाला है, तो आगे होने वाला है तो आगे की स्टेप क्या है जिसकी वजह से कंफर्म ये वाला जो साइड है वो डॉर्सल में कन्वर्ट हो जाए और ये वाला साइड जो है वेंट्रल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो अभी तक ये जो हमने देखा ये ऊ साइड की इनिशियल स्टेज में था। अब समटाइम्स बाद जब ऊ साइड की ग्रोथ होने लग जाएगी, जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब वाली स्टेज पे हम जाते हैं। सो नाउ इफ यू सी दिस थिंग, तो यहाँ पे जो सबसे आउटर लेयर है ये है विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये है विटिलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है ये है पेरीविटिलाइन स्पेस, पेरीविटिलाइन स्पेस। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है मेन पोर्शन ये पूरा, इसको बोला है एग, यानी कि ये है एग, ठीक है। तो इस एग में क्या प्रेजेंट है, इस एग में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यानी कि क्या हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। एम्ब्रियो कब बनता है, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही पाइप की सिंथेसिस हो गई है वेंट्रल रीजन में, अब ये देखो ये वाला रीजन ना मैंने वेंट्रल रीजन बना दिया है, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि ये स्पेस के हिसाब से मैंने इस वाले नीचे वाले पोर्शन को यहाँ पे कर दिया, 90 डिग्री पे थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला रीजन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है दिस इज विटिलाइन। इस विटिलाइन मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिनको एक्टिवेट होना है। ये एक्टिवेट कैसे होंगे, ये एक्टिवेट होंगे बाय सल्फेशन। इनका सल्फेशन किसने करवाया, सल्फेशन मतलब सल्फो ग्रुप का एडिशन, इनका सल्फेशन किसने करवाया, पाइप ने करवाया। तो अब इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सल्फेशन विटिलाइन प्रोटीन, सल्फेशन ऑफ विटिलाइन प्रोटीन्स किसने करवाया, ये हमारे प्यारे पाइप ने करवा दिया। नाउ सी नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही इस विटिलाइन प्रोटीन का सल्फेशन हो जाएगा, ये एक प्रोटीन से बाइंड आउट बाउंड हो जाएगा जिस प्रोटीन का नाम है जीडी,
जी डी फुल फॉर्म होती है इसकी गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीन. ये इससे बाइंड हो जाएगा. जैसे ही ये इससे बाइंड हो गया यहां पे एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसका नाम होगा स्नेक मॉलिक्यूल. स्नेक मॉलिक्यूल या प्रोटीन ये जो है कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ये दोनों मिलके और ये तीनों क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इन तीनों का बन गया है अब एक कॉम्प्लेक्स. किस किस का? स्नेक एक्टिव, स्नेक का ये वाला स्नेक एक्टिव हो गया, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव और सल्फेशन विटलाइन प्रोटीन. ये तीनों मिलकर अब क्या करेंगे, ये तीनों मिलकर एक दूसरे प्रोटीन को जिसका नाम है ईस्टर, ईस्टर ठीक है, ये ऐसा ईस्टर प्रोटीन है. अभी फिलहाल ये इनएक्टिव फॉर्म में है, सब इनएक्टिव फॉर्म में आएंगे, सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको भी इन तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, क्लीव कर दिया यानी कि तोड़ दिया और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके. अब ये जो ईस्टर है, ये ईस्टर क्या करेगा, ये ईस्टर फिर से एक और प्रोटीन को क्लीव कर देगा. उसका नाम है स्पेजल, उसका नाम है स्पेजल प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में आएगा लेकिन जैसे ही ईस्टर उसको ब्रेक कर देगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में. राइट, तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले आया जीडी, फिर स्नेक, फिर ईस्टर एंड फिर स्पेजल. नाउ दिस एक्टिवेटेड स्पेजल, ये जो एक्टिवेटेड स्पेजल है ये लाइकेंड के तौर पे काम करेगा, ये आप किसी को तोड़ेगा नहीं. स्पेजल जो है एक्टिवेटेड दैट विल एक्ट एज अ लाइकेंड. लाइकेंड है तो ऑब्वियसली किसी से जाके बाइंड हो रहा होगा, तो किसी से जाके अगर उसको बाइंड करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक रिसेप्टर चाहिए. तो ये जो एग की मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन कलर की किसकी मेम्ब्रेन है, एग की मेम्ब्रेन है. इस एग की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा क्या, एक रिसेप्टर. उस रिसेप्टर का नाम है टोल रिसेप्टर. जैसे आप टोल भरते हो ना वैसा ही टोल रिसेप्टर है ये. टोल रिसेप्टर पे आके ये स्पेजल हो गया बाइंड. अब जैसे ही ये टोल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ स्पेजल, एक्टिवेटेड स्पेजल, तो ये क्या कर सकता है, ये एक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर सकता है. प्रोटीन काइनेज क्या होता है, प्रोटीन काइनेज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी और को फॉस्फोराइलेट कर सकता है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर सकता है. तो यहाँ पे आके बाइंड हो गया है प्रोटीन काइनेज जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेले, पेले. और इस प्रोटीन काइनेज को यहां तक लेकर कौन आया, ट्यूब लेकर आया, ट्यूब नामक एक और प्रोटीन. तो ट्यूब इस पहले को यहां तक लेकर आया, नहीं तो ये पहले यहां तक अकेले नहीं आ सकता था टोल रिसेप्टर के पास. जैसे ही पहले यहां तक आया ये पहले हो जाएगा एक्टिवेट, ये हो गया एक्टिवेट एंड दिस इज एक्टिंग एज अ प्रोटीन काइनेज. अब देखो हमें ये इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई कि ठीक है प्रोटीन काइनेज बन गया, लेकिन अभी प्रोटीन काइनेज बना क्यों है, ये क्या काम करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप किसको डोनेट करेगा. तो इस पूरी कहानी को एक बार साइड में रख के हम पहले पुरानी चीज याद कर लेते हैं. हमारा ये वाला जो रीजन है वो किसके फेट के लिए बना है, वो बना है वेंट्रल फेट के लिए. तो हमें इस रीजन को वेंट्रल फेट बनाना है. अब हमने इन सब चीजों को एक्टिवेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ना एक mRNA प्रेजेंट था जिसका नाम है डॉर्सल mRNA. ये डॉर्सल mRNA पे नाम पे मत जाना, ये mRNA क्या करवाएगा, ये mRNA एक्चुअल में वेंट्रल पोजीशन को कंफर्म करवाएगा कि हाँ ठीक है ये वाले जो रीजन है ये वेंट्रल पोजीशन बनेगी. राइट, सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डॉर्सल mRNA ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली डॉर्सल प्रोटीन में, ट्रांसलेशन हो गया इसका बन गया डॉर्सल प्रोटीन में. लेकिन ये डॉर्सल प्रोटीन बनता कब है, आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब जब इस ऊ साइट की एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, इस ऊ साइट की एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई उसके 90 मिनट बाद ये डॉर्सल प्रोटीन बनेगा. तभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, ऊ साइट की जगह एग प्रेजेंट है. राइट, सो अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. क्यों, क्योंकि ये इसको किसी ने बहुत जबरदस्ती पकड़ के रखा है, ये इसको छोड़ नहीं रहा है. कौन इसको छोड़ नहीं रहा है, इसको नहीं छोड़ा कैक्टस नामक प्रोटीन. यहाँ पे प्रेजेंट है कैक्टस जो कि इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, बोल रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता है.
तो इस पेले ने क्या किया, इस पेले ने इस कैक्टस को फॉस्फोराइलेट कर दिया। ये जो कैक्टस था इसको इस पेले ने कर दिया फॉस्फोराइलेट। जैसे ही ये कैक्टस हो गया फॉस्फोराइलेट, यानी कि ये कैक्टस की फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से कैक्टस डिग्रेड हो जाएगा। सो व्हेन कैक्टस गेट फॉस्फोराइलेटेड ये हो जाता है डिग्रेड। और जैसे ही ये डिग्रेड हो गया वैसे ही हमारा जो डॉर्सल प्रोटीन है हो गया फ्री। ये तो हो गया फ्री, यहाँ पे देख लेते हैं, चलो यहाँ फ्री हो गया। अब ये फ्री होने के बाद क्या करेगा, ये फ्री होने के बाद जाएगा न्यूक्लियस में। कहाँ चला गया, ये न्यूक्लियस में चला गया। अब किसके न्यूक्लियस में गया, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए जो अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब ये ऊसाइट स्टेज थी और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक जो एग है उसमें क्या प्रेजेंट है, उस एग में सबसे पहले सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वो न्यूक्लियस अभी स्पर्म और एग को मिला के एक न्यूक्लियस बना गया। अब यहाँ पे आफ्टर दैट ड्रोसोफिला के एग में कैरियोकाइनेसिस होती है इंस्टेड ऑफ साइटोकाइनेसिस। ड्रोसोफिला के एग में क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं लेकिन अभी तक क्या नहीं आया, अभी तक सेल नहीं बने, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। इस स्टेज को बोलते हैं सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म स्टेज। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है ड्रोसोफिला के बारे में। यहाँ पे ये जो एग की बाउंड्री है इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाले न्यूक्लियस होंगे वो किसके लिए डिटरमाइन हो जाएंगे, वो डिटरमाइन हो जाएंगे फॉर द डॉर्सल फेट, और नीचे वाले जो न्यूक्लियस है वो वेंट्रल फेट के लिए डिटरमाइन हो जाएंगे। सो दैट जब आगे के यहाँ पे जब सेल्स बन जाए फ्यूचर में, जब साइटोकाइनेसिस भी हो गए और जब सेल बन जाएंगे, तो ये जो नीचे वाले सेल्स है वो वेंट्रल फेट के लिए चले जाए, ये ऊपर वाले जो सेल्स है वो डॉर्सल फेट के लिए चले जाए। तो अब इनमें से ही इन्हीं न्यूक्लियस में, ये जो वेंट्रल साइड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन्हीं न्यूक्लियस में चला जाएगा ये डॉर्सल प्रोटीन। ये डॉर्सल प्रोटीन कैसे एक्ट कर रहा है, ये डॉर्सल प्रोटीन एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये डॉर्सल प्रोटीन विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये दो काम कर सकता है, ये एज अ रिप्रेसर के तौर पे भी वर्क कर सकता है और एज अ एक्टिवेटर के तौर पे भी वर्क कर सकता है। मैंने कहा था डॉर्सल प्रोटीन के नाम पे मत जाना, ये उल्टा काम करवाता है, यानी कि ये वेंट्रल फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डॉर्सल प्रोटीन किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा वेंट्रल के लिए जितने भी जीन चाहिए, वेंट्रल साइड के लिए जितने भी जीन चाहिए उसको एक्टिवेट करेगा, और रिप्रेस किसको करेगा, डॉर्सल साइड के जीन्स को, डॉर्सल साइड के जीन्स को। तो यहाँ पे ये जाएगा, जितनी भी जगह यहाँ पे जाएगा वहां पे ये उन सारे डीएनए को रिप्रेस कर देगा जो डॉर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहाँ पे तो डॉर्सल बनाना नहीं, यहाँ पे हमें वेंट्रल बनाना है, और जितने भी जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है वेंट्रल साइड के लिए उनको ये एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे इसने फाइनली गया, ये बाइंड हो गया इससे, और इसने क्या करवा दिया, इसने करवा दिया वेंट्रल जीन्स को एक्टिवेट, जिसकी वजह से ये वाली साइड फाइनली अब ये वाली साइड बन जाएगी वेंट्रल साइड, राइट। अब इसमें से डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जितने भी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो जनरली किस बेसिस पे आते हैं, जनरली स्टेटमेंट बेसिस पे आते हैं, और इस टॉपिक पे स्पेस जो क्वेश्चंस आएंगे वो म्यूटेंट के तौर पर आएंगे। मतलब समझो अगर टॉल रिसेप्टर म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा, अगर टॉर्पीडो रिसेप्टर म्यूटेंट हो गया तो क्या हो गया, क्या सिर्फ डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रियो बनेगा या वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो भी बनेगा, हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट उसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल होना क्लियर है कि कैक्टस फॉस्फोराइलेट हो रहा है, डॉर्सल प्रोटीन आ रहा है, एज अ रिप्रेसर और एक्टिवेटर के तौर पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे ये जितने भी सेल्स बनेंगे फ्यूचर में नीचे की साइड वो क्या ले लेंगे, वो वेंट्रल फेट ले लेंगे, और यहाँ पे कोई भी डॉर्सल प्रोटीन नहीं आया तो ये वाला जो है आराम से अपने डॉर्सल जीन्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, यहाँ पे
सारे जीन्स एक्सप्रेस हो पाएंगे जो कि डॉर्सल साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉर्सल रिप्रेसर आके बाइंड नहीं हुआ है, डॉर्सल प्रोटीन एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिप्रेसर के तौर पे बाइंड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो ये साइड बन जाएगा डॉर्सल और ये साइड बन जाएगा वेंट्रल, राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।